वेलकम बैक टू आर चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप गाइज आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे हेलो तो बोल दो सब सो फाइनली गाइज आज शायद एक साल से भी ज़्यादा ही हो गया है मैं वापस आई हूँ एक साल से ज्यादा ही हो गया होगा आई थिंक मेरे को डेट भी याद नहीं है कि पिछला प्लॉग हमारा कब डाला था तो मतलब बहुत ही अपना माइंड सेट करके अब मैं थोड़ा सा फ्री हो पाई हूँ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आप लोगों से शेयर करूँगी आप लोगों को याद होगा आई थिंक मैंने दिवाली से पहले ही ब्लॉग डाला होगा दिवाली से पहले का तो मुझे याद है जब हम लोगों ने कैफ़े करा था कैफ़े भी इतना सक्सेसफुल हमारा रह नहीं पाया तो कैफ़े बंद हो गया तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई है अभी हम लोग घर भी हम लोगों ने दूसरा चेंज कर दिया घर भी आप लोगों को दिखाऊंगी और एक खुशखबरी और भी है आप लोगों ने देख ली लिया होगा आपने डाला था इसमें यूट्यूब यूट्यूब पे, पे और हम हम लोग दोनों पेरेंट्स बने हैं हमारा सेकंड बेबी हुआ है तो इन्हीं सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे हम लोग बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है तो थैंक यू सो मच गाइस आप लोगों ने मुझे इतना मिस करा मतलब बहुत सारे मैसेज आए कि कहाँ आप गायब हो गए हो क्या हो गया है ठीक तो हो आप लोग मैं हम हम लोग ठीक हैं ऐसी कोई बात नहीं है चिंता करने वाली बात कोई नहीं है आ, यही सब चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी अब कोशिश करूँगी धीरे धीरे आप लोगों के साथ में टच में रहने की तो आज से ये एक स्टार्ट करा है देखिए जब मैंने पिछले आप ब्लॉग देखोगे उस तो मैं टकली थी पूरी अब मेरी चुटिया बन गई हैं आज मैंने ऐसे करके बनाई हुई है चुटिया अब धीरे धीरे मैं ट्राई करूँगी कि अपना अपना जैसे कंटेंट है देखो हेयर वाला तो मेरा इतना लॉन्ग हो नहीं पाएगा ना हर हफ्ते तो कोई हेयर कट नहीं करा पाएगा तो धीरे धीरे मुझे एडवाइस करना आप लोगों की मुझे एडवाइस चाहिए कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि और इसके रिलेटेड और कोई वीडियो आ, कौन सा बना सकते हैं सुजेस्ट कीजिएगा मुझे ज़रूर और बाकी हेयर कट टचअप भी मैं कराऊँगी वो तो आप लोगों से मैं शेयर करती ही रहूँगी मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है आप लोगों को दो कुत्ते हैं आज मैंने दो कुत्ते बनाई हैं काफ़ी टाइम के बाद और मेरे आ, डिलीवरी के बाद में मेरे बाल भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ है हेयर फॉल रेमेडी भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी हेयर आज कल मैं दूसरा वाला तेल लगा रही हूँ जिससे बाल झड़ना थोड़ा थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा फॉल होता है और थोड़े से पतले भी हो गए मेरे बाल यहाँ से और मैंने काफ़ी सारी में मैंने कलर भी करे हैं बालों को मैंने इतना कलर नहीं करा था कभी भी तो बाल को कलर करने की वजह से ना मेरे बाल भी थोड़े थोड़े से वाइट हो गए हैं यहाँ से तो बिल्कुल ही वाइट हो गए तो इसका भी थोड़ा सा सल्यूशन हो जाओगी ना बुढ़े क्या बुढ़े तो होना हाँ, ही है एक ना एक दिन ये तो ये भी बुढ़े तो हो गए पहले से हो जाओगे हाँ मैं तो भैया फिर मेरी एज तुमसे बड़ी है ना पर इनके ना सिर के बाल बहुत काले हैं इनके सिर्फ दाढ़ी दाढ़ी में आए हैं वाइट बाल बोल्ड लुक लगता है ये भी एक हाँ हम ये सोच रहे हैं कि, कि किसी टाइम पे दोनों ही गंजे हो जाएंगे और फिर से लोगों के लोगों के हम लोगों ने इतने कमेंट आए कि गंजे हो जाओ गंजे हो जाओ और आ, कब की बात है मैं, आ, तीसरा साल लग गया हम लोगों को ब्लॉग बनाते हुए क्योंकि एक टाइम आता है ना कि बंदा फिर डिमोटिवेट सा हो जाता है सब लोगों ने ये बोला था कि आप लोग हैं मतलब आप मेरे को बोला था ये तो वैसे भी ऐसा ही लोग रखते हैं अपना गंजे वाला ही लोग इतने ही रखते हैं बाल हमेशा गंजे होने में भी कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे को इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि नहीं यार मेरे फॉलोअर्स मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मेरे अभी तक ना वही वहीं पर ही स्टक है मेरे जितने सब्सक्राइबर थे कितने हैं सात सात हज़ार है, है ना हाँ सात हज़ार ही हैं जो लोग तो मेरे टच में हैं वो तो हम मुझे करते ही हैं मतलब फॉलो करते ही रहते हैं मेरी वीडियोज़ भी देखते हैं पर जो मैंने बोला था कि ट्वेंटी के अगर मेरे होएंगे तो मैं हेडसेप करूँगी मैंने सेवन थाउजेंड में भी आप लोगों के लिए हेडसेप शेप करा था एक बार नहीं एक बार नहीं दो बार नहीं तीन तीन, तीन बार अब करा अब चलो उसमें तो मेरी भी रजामंदी थी मैंने अपनी मर्ज़ी से करा देखो किसी को मैं ब्लेम नहीं करती हूँ नहीं तुम लोगों के लिए मैंने करा है पर मेरे को ना वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया तो अब हम लोगों ने यही सोचा है कि धीरे धीरे ना अपना थोड़ा सा कंटेंट चेंज करते रहेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगे आई होप सो गाइज़ यही बहुत सारी चीज़ें थी धीरे धीरे आप लोगों से शेयर करती रहूँगी और कल कल के नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं अपने छुटकू का भी आप लोगों को फेस दिखाऊँगी उससे भी बातें करना बहुत सारी और अभी वो सो रहा है अभी मैं आप आप लोगों को दिखा देती उसको अभी नहीं नहीं कर रहा है और दूसरा छुटकू तो बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है वो तो जब से स्कूल जाने लगा है इतना ज़्यादा जब से छोटे वाला बेटा आया है मेरा इतना ज़्यादा चिड़ता है रोता है मतलब कि उसको ये लगता है कि मम्मा उस छुटकू को ज़्यादा प्यार करती है देखो आज आ जाओ आ जाओ हेलो हेलो तो कर दो सब लोग आपको भी याद कर रहे हैं हाय तो बोल दो सबको आप इतने बड़े हो गए स्कूल जाने लगे हो हेलो बोल दो सब लोगों को बोलो, कैसे हेलो गाइस कैसी हो आप सब लोग सब लोगों से अच्छे से बात करते हैं बेटे बस इसका यही होता है अभी आज सुबह भी ये बात कर रहा था कि चलो मम्मा ब्लॉग बनाते हैं मैं भी आपके ब्लॉग में आऊँगा जब इसका मूड अच्छा होता तो अच्छे से बात करते हेलो बोल दो ना सब लोगों को आप कैसे हैं हेलो आप बोलो अब हम लोग ना कोशिश करेंगे आप लोगों से डेली बात करेंगे ठीक है सब लोगों ने हम लोगों को इतना मिस करा इतना मिस करा उसके लिए बहुत सारा प्यार थैंक यू थैंक यू सो मच आप भी बोल दो आपको नहीं है, में <laughs> आप नहीं है क्या हम लोग चंडीगढ़ से कहते आप लोगों को पता नहीं है क्या हम लोग चंडीगढ़ आ गए इसको ये लग रहा है कि हम लोग पहले कहीं दूसरी जगह रह रहे थे और हम कहीं दूर बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं अब ज़्यादा दूर नहीं आए हम लोग मतलब जहाँ पे हम पहले दे रहते दे थे इधर ही पास में ही दे रहते दे थे, थे और थोड़ा थोड़ा सा ही बगल में ही शिफ्ट कराया है हम लोगों ने घर घर भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगी मैं आप लोगों को अब होती रहेगी बात डेली घर दे में छोटा बेबी आया है और बहुत प्यारा है उसका नाम के सब लोग नाम पूछ रहे हैं नाम क्या है उसका अयान अयान आप प्यार करते हो हाँ करता हूँ बहुत ज़्यादा और एरिक तो अब तो एरिक, भी, एरिक भी चेंज हो गया ना अब न्यू इंडिया स्कूल में जाता है क्या नाम है स्कूल स्कूल का आपके न्यू स्कूल हाँ, तो था आप दूसरे आप पहले स्मार्ट स्कूल में जाता था एरिक, दूसरे स्कूल में जाता गुड एरिक अब हम ना डेली रील्स भी रील्स भी डाला करेंगे यूट्यूब पे मैं एरिक और एरिक के पापा हम सब लोग रील्स बनाएंगे आप लोगों के लिए तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तभी हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियोस बनानी चाहिए इंजॉय इंजॉय कर रहे हैं आप लोग भी सो थैंक यू सो मच गाइज मुझे इतना प्यार करने के लिए आप लोगों ने जिन्होंने भी मैसेज करे हैं मुझे आप लोगों के मैसेज पढूंगी और ज़रूर हंड्रेड परसेंट मैं आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई करूंगी और बहुत सारा प्यार आप सब लोगों के लिए और जो जो मेरे वीडियो का वेट कर रहे थे बेसब्री से प्लीज़ मुझे वो लोग कमेंट ज़रूर करना मेरी वीडियो पर तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कितने लोग हैं जो मेरे वीडियो का वेट कर रहे थे काफ़ी बेसब्री से सो गाइस ठीक है फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइस बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल